Hey guys, welcome back to her channel. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो आप सब सोच रहे होंगे मैं व्लॉग क्यों कर रही हूँ. ये वैसा हुआ वो व्लॉग नहीं है कि अभी मैं व्लॉग कर रही हूँ तो पीछे से आशी आ जाएगी. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आशी नहीं आने वाली है क्योंकि आशी के पास मेरा आशी का फ़ोन मेरे पास है बट आशी यहाँ पे नहीं है. मैं उससे ज़बरदस्ती फ़ोन लेके आई हूँ. तो आज है आशी की बैचलर्स पार्टी, जिसके बारे में आशी को इतना सा भी अभी कुछ नहीं पता है. मतलब इतना सा क्या, कुछ पता ही नहीं है उसे. बस हाँ, हमने उससे ये तो कहा कि मतलब शादी से पहले कर लेते हैं कुछ, मतलब ऐसे घूम फिर के आते हैं. तो कल ईशिका जा रही थी अपने लिए ड्रेस लेने, तो उसे भी लेके ईशिका के साथ हमने उसे जबरदस्ती मतलब ईशिका लेके गई कि चल चल तू भी ले ली. मतलब होता है ना कि शादी से पहले एक तो पार्टी कर ही लेते हैं, बट उसके उससे इतना कुछ ऐसे नहीं पता कि बैचलर से ना मतलब कैंसिल ही हो गई थी. था भी उसका कुछ मतलब था बट कैंसिल हो गया था कि नहीं करेंगे छोड़ो. तो उसकी एक फ्रेंड है शीतल दी, तो उसने उन्होंने सब सरप्राइज वगैरह प्लान करा. मैं वैसे ऐसे करते हैं कहीं जा चलते हैं उसे लेके. फिर अभी हमने उसे रेडी होने के लिए तो बोल दिया, वो रेडी हो रही. हम तो स्टूडियो में मैं हूँ, यहाँ ईशिका है, उसकी एक फ्रेंड है आशी की. तो अभी हम मतलब रेडी वेडी तो हो गया, बस थोड़ी देर में निकलते हैं और मैं आपको सबको दिखाती रहूँगी. आज आपको पूरे व्लॉग में सिर्फ मैं दिखूँगी, सिर्फ मैं. अभी तक हम बिल्कुल रेडी नहीं हुए हैं, बस हम मेकअप वगैरह तो सब हो गया है, बस ड्रेसअप रहता है. ड्रेसअप बहुत तगड़ा हो रहा है अभी. हाँ, तो ये बिल्कुल सरप्राइज पार्टी है गाइस. उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, कुछ भी नहीं पता उसे इसके बारे में कि कुछ ऐसा होने वाला है. कुछ तो कुछ कहना चाहिए आशी के बारे में. एक तो मतलब तो पता है खुशी तो है, अब पार्टी हो रही तो ऑफकोर्स खुशी होगी, बट एक वो भी है इमोशनल बहुत. मुझे तो अंत का है, मतलब बहुत ज्यादा है. सबको ही है, मुझे तो है भाई, मुझे कुछ ज्यादा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं उसके ज्यादा क्लोज हूँ. मुझे लगता है, उसका नहीं पता मुझे. मुझे लगता है तो इसलिए थोड़ा बुरा तो लग रहा है. तो मतलब अभी देखो अभी पार्टी वार्ट करेंगे तो खूब नाच वाच लेंगे घर आके. थोड़ा मुझे दुख होगा क्योंकि ज्यादा दिन तो रहते नहीं है, अब कितने ही दिन है. 6 फरवरी को तो है ही. तो भाई से मुझे समझ नहीं आती एक चीज कि हम हमेशा ही लेट क्यों हो जाते हैं. मतलब ना हम आज तक टाइम पे गए ही नहीं है कभी भी, हमें हमेशा लेट होता है. मैंने सोचा था कि हम 11 बजे करेक्ट 11 बजे वाला इसी कह रहे करेक्ट 11 बजे ने गोली निकल जाएंगे. मन का हाँ, अभी ना 1-2 बज रहा है. मन का बहुत बढ़िया, बस अब देखी क्यों स्पोर्ट्समैन लग रही है. हम सब ने पहन रखे तो मन का आप पहन दे. एक बात बता, पता तो तेरे सारे ही मैंने पहने. नहीं मैंने पहनती एक नॉर्मल पार्टी के लिए कुछ ज्यादा नहीं सोची तुम लोगों ने जबरदस्ती इतना. अरे कभी कभी मन करता है रात सजने का, मतलब पार्टियों हम कभी ऐसे गए नहीं है. पर जाना कहाँ है डिसाइड है, देखते हैं यार जाके पता चलेगा. हॉल्स खास में देख लेंगे या तो या ऐसी कहीं कॉफी वॉफी पी के आ जाएंगे. तो गाइस हम फोटोज नहीं खींच सकते. अरे हॉस खास में देख लेंगे, वहाँ पे काफी कैसा है. एक तो ये बता हम जीवन में इतने लेट क्यों होते हैं. ऑलवेज मतलब 11 बजे की मतलब आशी तुझे याद है कभी हम अगर निकले हो टाइम पे तो एक आध बात थोड़ा. नहीं और मैं कल रात को ये सोच रही थी यार 11 बजे शीतल के घर जा रहे हैं, 11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे. तो 2 ना बजे और 2 ही बज गए सच में. तो गाइस हमें बस कैब तो कर दिया और सबके हाथ में एक एक झोले आ सकते हैं. ये देखो उसके हाथ में कितना बड़ा झोला. सब हम पहुंच तो गए, हम कैब आ जाएगी. इस कपड़े पहन के जा रहे हैं. मिलती हूँ मैं आपको कपड़े पहन के. हेलो अच्छी लग रही है. अरे बैकग्राउंड दीदी सारी जो व्हाइट होके जा रही हूँ
वो अरे मतलब एक वो बन जाता है कॉम्बिनेशन से। तेरे से नहीं बोली थी कि कुछ वैरायटी ले लियो तो चलते हैं अभी पीछे क्या हो रहा है। ओके गाइस तो फिर हम जा रहे हैं एंट्री यहां से है। मुझे लग रहा है आगे से ऐसे आगे जाके पून में लगा है। हम पहुंच तो चुके हैं या फिर थोड़ा आगे लदे से ही जा रहे हैं। कैमरा साफ नहीं है क्या इसका? हम तो समय एंट्री नहीं मिल रही, पता नहीं कहां से है। हमने कोई ऐसा डिसाइड नहीं किया था, हम हौस खास जाएंगे, हम यहाँ भी जा सकते हैं। ये जो लदे से पड़े हैं हम सारे बन तो गए। भाई तू कैसे? पकौड़ी तो नहीं लग पूजा, मुझे ऐसा लग रहा है ये मेकअप मैंने खुद करा है, तो मैं सोचू इसकी शादी में मुझे मेकअप करवाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी ये मेकअप खुद करा है इसका। वो ही तो कह रहे यार हम कम है किसी मुआ से। आशी आशी तेरा एक चीज बताओ कैसे मेकअप मैंने खुद करा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इसकी शादी में किसी से मेकअप करवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज़ आई लाइक माय मेकअप। चलो तो लग रहा है मुझे तेरी शादी में मेकअप करवाने किसी से जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं करवाती है ना आशी, हम आधे मुंह आए हैं, हमने सीखा भी नहीं है। सोच हमने नेल सीखा दे गाइस मी Oh, my God.